और फिर मिलेंगे दोबारा। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, मैं अमन और जगी गाड़ी में जाएंगे, ऊपर मिलेंगे। बाकी जैसे ट्रैकिंग करके आए थे बाकी लोग, वो वैसे जाएंगे और ऊपर ही मिलेंगे। तो गाइस चश्मा टूट गया है, ज्यादा सीरियस ना लेना इस बात का, ये रखो। बाकी बाल भी खराब हो चुके हैं नहा के, और हम वैक्स वगैरह भी नहीं लाए हैं जिससे कि ये दोबारा हो सके। अब आपको ऐसे ही मिलेंगे हम व्लॉग में, ऐसे ही बालों में। ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो ऐसे ही मिलेंगे। यो स्ट्रिंग उवेश भाई के नाम, आपको पता होना चाहिए ये उवेश भाई का नाम क्यों है। गाइस वो तो पैदल आए थे हम पहले, और अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। मतलब दुजाना भाई और अर्श भाई, शाकिब भाई वैसे ही ट्रैकिंग करके जा रहे हैं और हम गाड़ी से जा रहे हैं। ये ऑफ रोड है, ये देखो नज़ारा लो आप ऑफ रोड का। मतलब ज़्यादा भी वो नहीं है, रोड ठीक है, अच्छा है, बस थोड़ा सा ही है कि कच्चा रास्ता है। बाकी यहाँ पे अगर अमन भाई की होंडा सिटी होती तो उसका तो हो जाता काम। और ये तो हम पहले ही देख के लाए थे, क्योंकि मुझे था कि शायद मतलब रास्ता ख़राब ना हो, तो इस करके हम पहले ही ऊंची गाड़ी लाए थे। बैठे चल के दिखाइए थोड़ा, शाकिब भाई का दिल कमज़ोर हो रहा। चलो भाई चले, हार्ट पेशेंट होगा उसको तो अटैक ही आ जाएगा। आ जाएगा अनस भाई, आ जाओ फटाफट। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिंदगी में क्या चढ़ाई चढ़ के चला, देखो इसकी तो चाली भी बदल गई। और पीछे भाई गंदी तरह से हाफते हुए, और शाकिब भाई की हालत बहुत खराब है, ये यहाँ पे पड़े हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। क्या हुआ शाकिब भाई? अच्छा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा शाकिब भाई। आप अपना एनर्जी ड्रिंक लो, स्टिंग वगैरह, ठीक हो जाओगे। देख कितना अच्छा व्यू है। अरे क्या हुआ शाकिब भाई को, अरे क्या हुआ शाकिब भाई को। अरे भाई, अरे पानी पिलाओ। अरे जरा छोटे मोटे चक्कर है शाकिब, बहुत शाकिब भाई बहुत बुरी हालत में। भाई आ भी नहीं सकता, फाइनली ऊपर पहुंच गया, और शाकिब भाई की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। शाकिब हाँ भाई ठीक हो ना? हाँ। पानी वानी चाहिए कुछ? कैसा लग रहा है देख लो, बर्ड तो कितना बुरा हो गया। तो गाइस ये चल रहा है पहाड़ों के बीच में, व्यू दिखा दे पहले सबको, व्यू देखो, जबरदस्त नजारा है भाई, बहुत जबरदस्त मजा आ गया भाई, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे चल रही है कुकिंग, सुजाना भाई की कुकिंग, मैगी बन रही है यहाँ पे, बना रहे भाई। कहाँ पे है मैगी दिखाओ, कुकिंग कर रहे हमारे भाई, ये अपने मैगी बन रही है यहाँ पे, फटाफट पैकेट खोल रहे हैं, पैकेट खोल रहे हैं, चल रही है तैयारी मैगी की। ये पहाड़ों के बीच में, मतलब वो कहते हैं ना पहाड़ों की गोद में, ये देखो व्यू जबरदस्त। तो गाइस अमन भाई ऊपर थे, अब वो आए हैं, अब मैं थैंक यू भाई, मैगी बना रहे हैं हमें, ये 2.5 घंटे हो गए मैगी अब तक नहीं तैयार हुई। मतलब कह रहे थे कि 5 मिनट में मैगी बन जाती है, मैं मैगी वालों को ब्लेम करूंगा, वो कहते हैं कि 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, बट इसे तो काफी टाइम हो गया है। गाय मिनरल वाटर रही सी, देखो वैली के वाटर में मैगी बन रही है, बन रही हो मक्खन में बन रही है। गाइस एक्चुअली क्या था, पानी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम पानी की बोतलें हमने खरीद ली थी, मैं मैगी मुर्गी बनाएंगे। हम टाइगर फॉल से ऊपर आके मैगी बना रहे हैं, वहाँ पे हमने एग बॉयल करे थे। और ये भाई बैठे हैं थके आ रहे, उवेश भाई और दुजाना भाई, और मैगी का एंजॉय लो आप। गाइस हो गई है मैगी तैयार, और अबू भाई सर्व कर रहे हैं सबको। लड़ना मत भाई, देखो सबको मिलेगी, लड़ना मत। देखो जी यहाँ इस तरह कहा रहे, जिक्कर लंगर में आ रखे हूँ। देखो इन्हें, देखो देखो जी लंगर में आ रहे हैं यहाँ, बाकी लंगर में नहीं है भाई, खुद बनाया, खुद खाया। टंगे दोबारा भाई यार, हाँ भाई इसकी सेवा, भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, अभी गिरने को हो गए थे शाकिब भाई, तो उनकी सेवा कर रहे हैं भाई।
हमने आपको बहुत व्यू दिखाए हैं, बट यहाँ स्पेशल लिखा है व्यू पॉइंट, तो हम यहाँ से भी दिखाते हैं आपको व्यू, क्या व्यू है। लेट्स गो। लो जी व्यू, यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है। तो गाइस टाइगर फॉल को बाय बाय हो गई है, चक्राता को फाइनली बाइक आने का टाइम आ गया, और हमें चक्राता की थोड़ी सी मार्केट घूमेंगे। ये गाड़ी खड़ी है और ये बीस्ट खड़ी है, चलते हैं हम वापसी की तरफ, जाके आपको मार्केट में मिलते हैं अब चक्राता की। ये चकी भाई हैं, चकी भाई, इन्होंने मार दिया दोबारा उल्टी, ताजी ताजी उल्टी। वो जो अभी मैगी खाई थी ना, वो सब निकाल दी। वो इनकी बायो में लिखा होता है लव ट्रैवलिंग, और पहाड़ों का नाम सुनके उल्टियां जाएंगी। और नहीं गाइस, इन्होंने पहले मोमोज खाए थे, वो सब निकाल दिए थे, और अब मैगी निकाल दी। गाड़ी साफ कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, हो जाता है ट्रैवलिंग में थोड़ा। गाइस यहाँ पता लगता है पानी की वैल्यू क्या है। अब पानी की सब बोतलें खत्म हो गई थी, अब यहाँ से पानी भर रहे हैं। ये निक्का सा वाटरफॉल हमारे काम आ रहा है। और टाइम पे बढ़िया उल्टी हुई है, हम बिल्कुल वाटरफॉल के, छोटे से वाटरफॉल के पास होके हमने पानी लिया, और अपना गाड़ी भी साफ हो गई है। चलो अब चलते हैं आगे। लेट गो बेबी। गाइस हम आए थे सनसेट देखने, बट हम तो बादलों में जा रहे हैं गाइस, मतलब बादल ही बादल देखो। और अबू भाई हमें गाइड करते हुए आगे, एक्चुअली हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है आगे। अच्छा अमन भाई कह रहे हैं मुझे दिख रहा है, बट फिर भी अबू भाई हमें गाइड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अबू भाई आगे जा रहे हैं। गाइस मजा आ गया, आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना एक्साइटेड हूँ मैं, कितना एक्साइटेड हूँ। गिरने वाला था क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो थोड़ा आगे दिखा के लाते हैं बाइक पे, बाकी हम गाड़ी यहीं पे खड़ी कर रहे हैं, मैं और अबू भाई जा रहे हैं बाइक पे। गाइस जिस हिसाब से हम व्यू देख रहे हैं, तो मतलब अपना जो इरादा है वो सर्दियों में भी आप यहाँ पे आने गए। गाइस बहुत ठंड हो रही है, हम तो कपड़े भी आए थे शर्टों में है, बहुत ठंड हो रही है। ये देखो मतलब बहुत से भी है, खुद लगा लो या तेल लगा लो, भाई बादल है, ये बादल है, बादल है गाइस, देख सकते हो ये बादल ही बादल। और ये हमने ऐसे जूम को हटा दिया है, और ये मतलब हम इस टाइम बादलों के बीच में है, चारों तरफ बादल, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। देखो मैं इधर आपको नीचे दिखाता हूँ, कुछ नहीं है। और ये देखो गाइस इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट है, पूछो ना बात। ये अबू भाई आ रहे हैं सामने से। अबू भाई आप, अबू भाई आप अपनी एक्साइटमेंट बता दो। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यहाँ पे विजिट करें, चक्रोस्ता में बहुत बढ़िया व्यू है गाइस, आए और विजिट करें। ये बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, लोग पीछे भी रुके हैं, बट हमने देखा कि क्या पता कि कुछ इससे अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, बट यहाँ पे एंड है। गेरा ये है जी, बस ये बादल ही बादल गाइस, आप मतलब बादल ही बादल है, फुल नजारा, फन ऑफ, टोटल टोटल फन। अपने भाई पीछे हैं, अब उनके पास जा रहे हैं हम, स्पेशल आपको दिखाने के लिए आगे आए थे, तो लेट्स गो। तो गाइस हम चक्रोत्ता के बाजार में आए थे, तो शायद लगता है कि यहाँ पे लॉकडाउन है तो बंद है, मतलब मार्केट बस खाने की दुकानें ही, ढाबे वगैरह खुले हुए हैं, वैसे मार्केट बंद है। बाकी हम दिखाते हैं कि वैसे अगर कैसा बाज़ार है, क्या कुछ है, चलते हैं हम अंदर। भाई अबू आ रहे हैं, वो आगे निकल गए थे, उन्हें फ़ोन करके बुलाया है, लो आ गए।
तो ये लॉकडाउन में चक्रोते आए थे, सब कुछ बंद है। और ये कह रहे हैं कि मतलब ये चक्रोता में घूम रहे हैं कि बूढ़िया की याद आ रही है, तो बूढ़िया कहीं जोग गए मेरे भाई। ऐसा लग रहा बूढ़िया आ गए हो। ये मार्केट में से भी धुंध ही धुंध हो रही, मुझे नहीं लगता कि आज जाना पॉसिबल होगा। मुझे लगता है कि रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे भी धुंध हो गई है, तो मुश्किल है शायद जाना। क्या अमन भाई? कुछ भी नहीं भाई, नीचे घर जाएंगे, देख तू पहुंचेंगे। चलो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है हमारा, जैसा भी है आपको पता ही लग जाएगा। बस कि अपने शाकिब भाई भी मेरे ख्याल से व्लॉगिंग कर रहे हैं। मार्केट में कुछ नहीं था, बंद पड़ी थी लॉकडाउन की वजह से, तो अब हम वापस जा रहे हैं। देखते हैं कि नीचे मतलब क्या इरादा बनता है, आपको बता देंगे हम। ये देखो क्यूट सा बच्चा, निक का था। गाइस हम वापस जा रहे हैं, और मतलब मैं पहले भी मैंने अमन भाई को बोल रहा था कि धुंध होगी, और वही है देखो इधर सारी धुंध हो रही है। बाकी देख भाई वहां पे है, रोड पे नहीं है। चलो देखते हैं वो तो हम रास्ते पे क्या है क्या नहीं है। चलो दिखाते हैं हम आपको रास्ता जाते वक्त। गाइस रिटर्न में देखिए, मतलब वापसी में है, और नज़ारा देखिए आप यहाँ का, और ये देखिए सनसेट होता हुआ, बिल्कुल ये बादलों में छिपता हुआ दिखता है। वादियों को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, बट क्या करें, घर भी जाना है। मतलब मन 1% नहीं हमारा घर जाने का, मन तो कर रहा है कि यहीं पे घर बसा लें, बट अपने पेरेंट्स तो घर पे हैं, जाना पड़ेगा। फिर दोबारा जरूर आएंगे और आपको नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी देंगे। तो अब हम निकल चुके हैं चक्रोता से बाहर, और बाय बाय चक्रोता, जरूर आएंगे दोबारा हम ठंड में, हमारा प्रोग्राम बन रहा है ठंड में आएंगे अब तो। बाय बाय चक्रोता, बाय बाय बाय। तो गाइस सब बहुत थक चुके हैं, पूरे दिन से सफर में ही है, और ये अपने जगी भाई को तो बस पूछो ना बात की हालत खराब। जगी भाई उल्टियां कर रहे हैं जब से, मतलब थोड़ी हो जाती है। चलो कोई नहीं, जगी की हालत खराब हो रही है। उधर शाकिब भाई बोलने लायक भी नहीं है भाई, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। और यार समझत कहते हैं यार उसे, जिसे रोड का ही नहीं पता लग रहा। बस यार जिंदगी में कभी पहाड़ों पे नहीं आना। इन्हें अपना ब्लॉग तैयार कर लिया। जिंदगी में कभी पहाड़ों पे नहीं आना भाई, आखिरी बार था। मन चाह रहा है भाई यहीं पड़ जाए रोड के किनारे, और अपना लेट जाए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। ओके भाई, ये जकी भाई की हालत ख़राब हो चुकी है। जकी भाई को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसा ही है, और इधर शाकिब भाई की थोड़ी हालत ख़राब है। और शाकिब भाई देखो अपना गुमसुम पड़े हैं। शाकिब भाई, अर्श भाई एकदम ओके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अमन भाई ओके हैं, बट शाकिब भाई की भी थोड़ी हो रही है तबीयत ख़राब। बाकी और शाकिब भाई को तो आपको वहाँ पर चक्कर भी आ गए थे। बाकी कोई नहीं, अपना इन्हें थोड़ी दवाई दी है हमने, हो जाएंगे ठीक है, बाकी घर पहुँच ही जाएंगे। और इनको भूख भी लग रही है, देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं हम, क्योंकि अभी रास्ते में तो कोई ढाबा है। तो गाइस फाइनली हम प्लेन रोड पे आ चुके हैं। अनस भाई के लिए, शाकिब भाई के लिए, जकी भाई के लिए राहत की बात है, अब थोड़ा प्लेन रोड आ गया है। हम पहाड़ों को अलविदा कह गए हैं, और मतलब बड़ी याद आएगी उनकी, बड़ा जबरदस्त व्यू था। कोई नहीं, अब हम वीडियो देख के ही अपना मन बहलाएंगे। ओके तो गाइस ये देखो हर्ष भाई और यहाँ पे बैठे हैं। एक्चुअली हम रुके हैं, ये अनस भाई की हालत खराब हो रही है, शाकिब भाई की तो पूछो ना हालत का। हम रुके हैं दुजाना भाई का वेट करने के लिए, दुजाना भाई पीछे रह गए थे तो उनका वेट कर रहे हैं हम। और टाइम हो रहा है 9:12, 9:12, और हम वेट कर रहे हैं दोनों भाइयों का, आने वाले होंगे और फिर चलेंगे आगे। भूख भी लग रही है, देखते हैं कहीं आगे खाना खाएंगे रुक के। तो गाइस क्या बताऊं मैं आपको, वो कहते हैं ना सीन क्रिएट हो गया। तो क्या हुआ था, अबू भाई ने यहाँ से तेल गिरवाया, वो हमारे से पीछे रह गए। अब उन्होंने पता नहीं कौन सा रोड पकड़ लिया, अब हमें 12 किलोमीटर
12 किलोमीटर पीछे आना पड़ा है। अबू भाई को मिल नहीं रहा था रास्ता, तो हमने कहा कि आप पंपे पे ही आ जाओ। हम वापस 12 किलोमीटर आए और अब उनकी वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें 10 मिनट लगेंगे आने में। और मतलब एक्चुअली बात क्या है, चलो कोई नहीं, क्या है गाइस, ये अपने शाकिब भाई हो गए, अनस भाई हो गए, ये बहुत थक चुके हैं और इनको वोमिटिंग भी हो रही है, तो इन्हें हो रहा है कि लेट पे लेट हो जा रहे हैं। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, भूख भी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि रास्ते में खाना मिलेगा, क्योंकि 9:40 तो यहीं पे हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता रास्ते में खाना मिलेगा। चलो बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके भाई गुस्सा कर रहे हैं कि तुम रुके नहीं, बाकी हो जाता है। चलो कोई नहीं गाइस, आ गए हैं अप्पू भाई, चलो ओके अप्पू भाई, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस हम हरियाणा में पहुंच चुके हैं। अच्छा, और हमें खाना नहीं मिला उसे, ऐसे कैसे, जब कोई ढाबा ही नहीं ढंग का मिला। अब देखते हैं आगे कोई ढाबा खाना मिलेगा, जैसे मर्जी मिले। गाड़ी को तोड़ रहे हैं भाई, गाइस अमन ज्यादा सीरियस लेगा, गाड़ी तोड़ने लग गया भाई, गाड़ी अपनी है अमन। खाना मिलेगा भाई, खाना वो तो हमें पता है मिलेगा, बाकी है ना भूख तो अब लग रही है। कोई नहीं, बस 10 मिनट की राइड हो रहा है, उसके बाद खाना है। तो गाइस ये ट्रक वाले ने हमें हेलो बड़े मौज कर दे। तो गाइस मिलते हैं हम आपको ढाबे पे जल्दी। गाइस फाइनली हमको खाना मिल गया है, हम आ गए हैं ढाबे पे, अब हम खाएंगे खाना। हम पहलवान ढाबे पे रुके हैं, अब हम खाना खाएंगे, और यहाँ से 30-40 किलोमीटर लगभग हमारा रास्ता रह गया है घर का, फिर हम घर पहुँच जाएंगे। देखते हैं अपना क्या क्या ऑर्डर करना है। तो गाइस कर दिया है हमने खाना ऑर्डर, और सबकी हालत देखो क्या हो गई है। भाइयों ने कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और शाही पनीर ऑर्डर किया है। देखिए भाई आ गए हैं मुंह हाथ धो के, और इनकी हालत देखो। और किचन वाले भैया परेशान हो गए हैं, वो कह रहे हैं यार मतलब इस टाइम खाना देते नहीं है, बट तुम आज से आए हो तो दे रहे हैं। 11:15 टाइम हो गया है, 11:15 भैया कह रहे हैं, भैया गाइस खाना खा लिया है, और हम वीडियो का एंड यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, थकावट बहुत है, तो अब हम सीधा घर जाके पढ़ के सोएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।